नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभु दयाल दीक्षित प्रभु हाथरस उत्तर प्रदेश से। ईश्वर की कृपा से 51 पुस्तकें लिख चुका हूं, 18,000 से अधिक दोहे लिख चुका हूं, प्रस्तुत कर रहा हूं कुछ दोहे। लाख जतन करते रहे दुनिया भर के लोग, लाख जतन करते रहे दुनिया भर के लोग, किंतु सभी को भोगने किंतु सभी को भोगने पड़े कर्म के भोग, पड़े कर्म के भोग। अर्थात अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। इस जन्म में नहीं, कोई अपने कर्मों के फल भोगने से बच नहीं सकता। अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे फल मिलते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो बुरे फल मिलते हैं। बोए बीज बबूल के तो आम कहां से खाए। अगर बीज आम के बोओगे तभी आम मिलेंगे। बबूल के बीज बोने से किसी को आम नहीं मिल सकते, मीठे फल नहीं मिल सकते। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, बुरे कर्मों से बचना चाहिए। अगला दोहा देखिए, इसी बात पर आधारित है। सुखी देख सबको लगे जिसके मन में आग, सुखी देख सबको लगे जिसके मन में आग, बनता अगले जन्म में, बनता अगले जन्म में वही आदमी नाग, वही आदमी नाग। जो दूसरों को खुश देखकर, सुखी देखकर जल भुन जाता है, किसी को हंसते खेलते नहीं देख सकता, उस व्यक्ति को अगला जन्म सर्प का मिलता है, नाग का मिलता है। इसलिए कभी भी दूसरों के सुख को देखकर, दूसरों को खुश देखकर जलना नहीं चाहिए, बल्कि प्रसन्न हो जाना चाहिए। उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है, उनके दुख में हमारा दुख है, ये भावना रहनी चाहिए। धन्यवाद।